क्या एक्शन कैमरा की फुटेज को मोबाइल फोन से एडिट किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बार बार मुझे बहुत सारे कमेंट्स के थ्रू मिला। मोबाइल फोन या किसी भी दूसरे कैमरा की फुटेज को हम एडिट करते हैं तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर एक्शन कैमरा के साथ ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये क्वेश्चन मुझे बार बार मिल रहा है। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे एक्शन कैमराज को मैंने रिव्यू किया है, बट उन सब के अंदर एक कमेंट मुझे कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देता है कि क्या इन एक्शन कैमरा के फुटेज को मोबाइल फोन के अंदर एडिट किया जा सकता है। और कई बार सजेशन ये भी मांगी गई कि बेस्ट एक्शन कैमरा कौन सा हो सकता है, तो इन दैट केस मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया कि अगर आप व्लॉगिंग के लिए चाहते हैं तो DJI पॉकेट 1 या पॉकेट 2, बजट के अंदर पॉकेट 1 और थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हैं तो पॉकेट 2 मैंने सजेस्ट किया। बट फिर वहां पे भी सेम क्वेश्चन आया कि क्या इनकी फुटेज और DJI Osmo Action 4, जो कि एक एक्शन कैमरा, बेस्ट एक्शन कैमरा है इन दिस वर्ल्ड, उसकी फुटेज को मोबाइल फोन से एडिट कर सकते हैं, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इनकी फुटेज को मैं PC या लैपटॉप के ऊपर एडिट करता हूं, तो क्वेश्चन देख के मुझे इनिशियली लगा कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है बार बार, क्योंकि इसको एडिट करना काफी इजी काम है। बट आप सबको जवाब देना था तो मैंने ट्राई करके देखा कि क्या इनकी फुटेज को एडिट किया जा सकता है, तो वहां पे वास्तव में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई, और क्योंकि सॉल्यूशन भी आप सबको देना था तो डिस्कस करते हैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में। परंतु बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि जो एडिटिंग है वो बजट सेगमेंट के ही किसी फोन से की जाए, तो उसके लिए मैंने रिसेंटली ये सैमसंग का M34 लिया है। कि इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक नॉर्मल डिवाइस है, हाई एंड डिवाइस नहीं है। इसके ऊपर वीडियो एडिट करना और इन एक्शन कैमराज की, चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एडिट कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से इसकी कुछ फाइलें हम डाउनलोड करते हैं। ये नीचे जो कॉर्नर में बटन बना हुआ है, इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल को डाउनलोड करने के लिए ऊपर जो ये निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली और इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। देखिए, ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गई है। ओरिजिनल फाइल जो है ये उसी को डाउनलोड करेगा। एंड सेविंग टू एल्बम, देखिए ये चीज़ आई है इसके अंदर, सेविंग टू एल्बम। तो अब यहाँ से देखते हैं कि फ़ोन की एल्बम के अंदर ये हमें दिखाई देगा कि नहीं, गैलरी के अंदर। यस, देखिए रिसेंट में DJI पॉकेट 2 की जो फाइल है वो हमें दिखाई देती है और ठीक से काम भी करती है। और किसी भी वीडियो एडिटर, क्योंकि मैं लगभग जितनी भी वीडियोज़ मोबाइल के अंदर एडिट करता हूँ वो इनशॉट के अंदर ही एडिट करता हूँ। एंड देखते हैं यहाँ पे ये फाइल को डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। न्यू, एंड देखिए इसमें ये 18 सेकंड की फाइल आई है। एंड यहाँ पे ये इजीली एडिट की जा सकती है। मैं फॉर एग्जांपल से यहाँ पे कोई भी कट वगैरह लगा देता हूँ, यहाँ से कट कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ से कोई भी एक इफेक्ट आप कहें जिससे अंदाज़ा हो जाए कि हाँ हमने कुछ एडिट किया है, कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे। एंड मैं ये वाला चेंज कर देता हूँ, दैट्स ऑल। एक सिंपल सा एडिट जस्ट ये पता चल जाए कि हम कर सकते हैं। एंड इसको कर देते हैं सेव 1080p या 4K ऊपर, 4K के अंदर, एंड इट्स वर्किंग। और देखिए ये एडिट हो गई है। तो DJI पॉकेट 2 की फाइल के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आप लो एंड डिवाइस के ऊपर भी आसानी से एडिट कर पाएंगे। और जो ये एडिटेड फाइल थी ये भी हमें गैलरी के अंदर दिखाई देगी। बैक चलते हैं और देखिए ये रिसेंट जो फाइल है ये, जिसमें हमने ये कट भी लगाया था, वो कट भी लगाने के बाद, और देखिए कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो काम करता है। DJI पॉकेट 2 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब DJI Osmo Action 4 को भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये है DJI का Osmo Action 4 और यहाँ पे DJI Momo ऐप को मैंने कनेक्ट कर लिया है इसमें। यस, Osmo Action 4 कनेक्ट हो गया है। एंड यहाँ से प्ले के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड कोई भी फाइल आप डाउनलोड करना चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने इसी फाइल को मैं डाउनलोड करता हूँ, एंड यहाँ से डाउनलोड का जो ऑप्शन है ये आपको दबाना है। बहुत फास्ट डाउनलोड करता है। यस, सेविंग टू एल्बम्स, ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप में जाएं। यस, फाउंड डाउनलोडेड टू मोबाइल डिवाइसेस। अब डाउनलोड के ऊपर जाएं,
यहाँ पे ये वाली जो फाइल है ये डाउनलोडेड फाइल है ओज़्मे एक्शन 4 से, क्योंकि ये वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है इसका फॉर्मेट क्या है। सिर्फ आप प्ले इसके करेंगे लिए सबसे तो पहले ये इस तरीके की आपको आवाज़ सुनाई देगी, ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। DJI पॉकेट 2 या DJI पॉकेट कैमराज की बात करें तो इसकी फुटेज आपको गैलरी के अंदर दिखाई देती हैं, परंतु आप DJI ओज़्मो एक्शन 4 की बात करें तो इसकी फुटेज आपको गैलरी के अंदर ही दिखाई नहीं देती। जब गैलरी में दिखाई नहीं देगी, दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में दिखाई नहीं दे रही, तो फिर उसको एडिट कैसे करेंगे? प्रेजेंटली इस वीडियो में मैं इन्हीं दो की फुटेज की बात करूंगा। अगर आप किसी दूसरे एक्शन कैमरा को यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और पहले भी एक वीडियो मैं एक्शन कैमरा से निकलने वाली फुटेज को एडिट करने के लिए बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लें। यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करें, डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप किस इनशॉट जो वीडियो एडिटर है इसके ऊपर जा सकते हैं। इसके ऊपर शेयर करेंगे तो ये फाइल इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह या जो भी चीज़ें डालनी हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी एंड शोन एंड मैं स्टार्टिंग से ही ये इफेक्ट डाल देता हूँ सो दैट कि हमें वहाँ पर मिल जाए सेव। 1080p या 720 कोई भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सेव के ऊपर जाएँ एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दें एंड सिंपल सा है, इस तरीके से सिंपली ये एडिट हो जाएगा। और ये एक लो एंड डिवाइस है इस वजह से इतनी स्पीड इतना टाइम ले रहा है, अदरवाइज आपके पास अगर कोई भी हाई एंड डिवाइस होगा तो वो इतना टाइम लेगा नहीं, क्योंकि इससे मोबाइल मेरे ख्याल से जितने भी होंगे वो कुछ ना कुछ अच्छे ही मिलेंगे। तो मेरा ये काम चला देता है, मोबाइल एडिटिंग जितनी होती है वो इस सैमसंग का M34 है ये काम कर देता है। इसका भी रिव्यू वीडियो जल्द ही मैं बनाऊंगा कि क्या क्यों मैंने लिया अपने काम के लिए M34 को इन कंपैरिजन टू अदर मोबाइल्स। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड भी वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी उसको भी उसमें शामिल किया जाए। नाइन्टी 4% टाइम लेगा ये थोड़ा सा। यस, एडिट हो चुका है, गैलरी के अंदर देखते हैं सेव हुआ है कि नहीं हुआ रिसेंट में। और ये देखिए यही था जो वीडियो हमने बनाया था, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डिजिट्स वगैरह और यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो कुल मिला के ये सिस्टम काम करता है। तो सिंपली इस तरीके से आप एडिट कर पाएंगे DJI पॉकेट 2, DJI ओज़्मो एक्शन 4 इन एक्शन कैमराज की फुटेज को डायरेक्ट अपने मोबाइल से ही, और भले ही वो चाहे एक लो एंड डिवाइस ही क्यों ना हो। सारा मामला फॉर्मेट का था और इन दोनों एक्शन कैमराज की फुटेज को हमने इस लो एंड डिवाइस से ही एडिट किया है। तो आई थिंक इस समस्या का समाधान तो हो गया है कि इनकी फुटेज को मोबाइल से एडिट किया जा सकता है। दूसरे एक्शन कैमराज की फुटेज को भी आप अपने मोबाइल के अंदर एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन या सुझाव या सवाल है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।